हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक एंड सर्व। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम लोग मूली और उसके पत्तों की सब्जी बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। जो मूली है, इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और हमें इनको भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। जैसे कि मूली में विटामिन सी होता है, विटामिन B6 होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है। और आपको पता ही है कि ये सभी जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। और इसी वजह से ये जो मूली है हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, शुगर को कंट्रोल करती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, कैंसर के रिस्क को बीट करती है, और पाइल्स में हेल्प करती है, वेट रिड्यूस में हेल्प करती है, हमारी गट को क्लियर करती है। तो इतने सारे फायदे हैं। तो आज हम लोग मूली की सब्जी बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। हम लोग इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ को आगे रख के बनाएंगे, ताकि ये हमें जो प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो हम लोग इससे ले पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। आज की रेसिपी देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो वीडियो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। मूली की सब्जी बहुत ही सिंपल बनानी होती है, अब इसमें बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 मूली ली है मैंने, और 3 मूली के पत्ते जो थे वो मैंने उतार लिए थे और उनको धो के सुबह रख दिया था, और अच्छी तरह से ये सूख चुके हैं। उसके बाद मैंने इनको ब्रीक ब्रीक काट लिया। मूली के पत्ते के पीछे जो इतने इतने डंडल होते हैं वो मैंने उतार दिए थे, सिर्फ मैंने पत्ते पत्ते लिए हैं। और ये मेरे पास मूली है, अभी हम लोग मूली को काट लेंगे। ये मैं साइड पे कर देती हूँ। मूली को काटने के लिए मैं इसके 2 पार्ट्स कर लूँगी और इसके भी 2 पार्ट्स कर लूँगी मैं। और अभी मैं क्या करूँगी, इसको बीच में से ऐसे करके एक कट दे लूँगी, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी ब्रीक काटना है। फिर एक कट यहाँ से दे दूँगी और एक कट यहाँ से दे दूँगी, और अभी मैं इसको काट लूँगी ब्रीक ब्रीक। ये देखिए, मूली को भी हमने ब्रीक ब्रीक काट लिया है। काटने के बाद मैंने इसको फिर से धो लिया, हालांकि मैंने पहले भी इनको पील करके अच्छे से वॉश कर लिया था, लेकिन मैंने फिर से वॉश कर लिया। और चलिए अभी हम लोग तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है 1 कढ़ाई, और इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। ये मैंने सरसों का तेल ले लिया है, 1.5 टेबल स्पून के आसपास तेल लिया है मैंने अंदाजा। अभी हम लोग इसको गर्म होने देंगे। देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है, और अभी मैं गैस को कर दूंगी स्लो, ताकि ये जो हमारा तेल है इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन आ जाए। इतने गर्म तेल में हमने इसमें कुछ नहीं डालना। इसको ये तेल हमारा ठंडा हो गया है, अभी मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग डाल दूंगी मैं, हींग इसमें ज़रूर डालना, हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अभी मैं इसमें डाल दूंगी हमारा लहसुन और अदरक, 1 चम्मच मैंने ब्रीक चॉप किया हुआ लहसुन और 1 चम्मच ही मैंने ब्रीक चॉप किया हुआ अदरक लिया यहाँ पर। और अभी मैं डाल दूंगी हमारे प्याज, लहसुन और अदरक हमारा थोड़ा सा पक चुके हैं, और एक ही प्याज लिया मैंने मीडियम साइज का, और इसको ब्रीक ब्रीक चॉप किया। हम लोग प्याज को अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए, प्याज हमारे पक गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, और इस स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी हमारे मूली के पत्ते। और जैसे ही मूली के पत्ते ऐड करूंगी, मैं यहां पर ऐड कर दूंगी हमारा नमक,
नमक मैंने सब्जी के हिसाब से आधे से थोड़ा सा कम लिया है, और साथ ही ऐड कर दूंगी मैं यहाँ पर हल्दी थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया मैंने। अभी हम लोग पहले मूली के पत्ते पकाएंगे क्योंकि इनको पकने में टाइम लगता है। नमक मैंने पहले इसलिए डाल दिया क्योंकि हम लोग इसका कलर नहीं चेंज करना चाहते मूली के पत्तों का। अभी हम लोग इसको ढक कर पकाएंगे थोड़ी देर। ये देखिए पत्ते हमारे हो गए हैं नरम। अभी हम लोग इसमें मूली ऐड कर देंगे। मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, पहले पत्तों ने पानी रिलीज कर दिया था और अभी मूली ने पानी काफी रिलीज कर देना है, और हम लोग इसको ऐसे ही पकाएंगे। जब भी आप इसको ढकें, आधा ढकें, नहीं तो फिर आपकी जो सब्जी है इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप पत्तों का कलर हरा ही रखना चाहते हो तो कढ़ाई को कभी भी पूरा मत ढकना, आधा ही ढकना। अभी मैं ऐड करूंगी हमारी मिर्च। नमक हमने पहले ऐड कर दिया, हल्दी हमने पहले ऐड कर दी, मसाला इसमें जाएगा ही नहीं कोई, और कुछ भी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ इसमें, बिल्कुल सिंपल और हेल्दी बना रही हूँ। यहाँ पर मैं डाल दूंगी हमारी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 ही मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। कुछ लोग इसमें आमचूर पाउडर डाल देते हैं तो उससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग इसको सिंपल ही रखेंगे। अभी हम लोग मूली को पकने देंगे। ये देखिए सब्जी ने ऑयल रिलीज कर दिया है और बहुत अच्छी पक चुकी है, और अभी हम लोग एक तोड़ कर भी देखेंगे। ये देखिए कितनी इजीली टूट गई है सब्जी, हमारी बन चुकी है। यहाँ पर मैं गैस को कर दूंगी बंद। उम्मीद करती हूँ आपको ये सिंपल सी मूली की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।